देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सोइल मिक्स है जो कि मैंने रिवर सैंड और गोबर की खाद और जो अपना कचरे का पेस्ट पाउडर बनाया है वो सब इसमें डाल दिया है। अब मैं आज एट ट्रे गार्डनिंग बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। और अब मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है, इतना बड़ा मैंने मिट्टी का ले लिया है। ये इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटे भी होते हैं वो भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसा अपन को चाहिए। अब मैंने ये मिट्टी से भर दिया, मैं इसमें एक अलग सा लुक देना चाहती हूँ, गार्डन एक जंगल टाइप का। अब ये देखिए आप, इसमें ये स्टोन है मेरे पास, ये वाला, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं इसमें रख के देखती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें रख दिया। इसमें देखिए आप किस तरीके का एक अलग ही लुक आ रहा है। तो ये वाला मैं इसमें रखूँगी, यहाँ पे प्लांट लगाऊंगी। और ये जो है मेरा गमला, उस दिन टूटा था, इसकी मैं बाउंड्री के लिए इसे रखूँगी, छोटे छोटे जैसे ये हैं ऐसे बाउंड्री के लिए, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। और जो मैंने उस दिन एक स्टोन बनाया था, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला, ये भी मैं इसमें ही लगाने की कोशिश करूँगी। और इसको मैं चाहूँगी तो देखूँगी कि शॉर्ट करूँ इसको, थोड़ा हाफ करूँ या इसमें कुछ और करूँ, क्योंकि इसने बहुत ही जगह ज़्यादा कर लिया। तो इस तरीके के स्टोन वगैरह भी मैं इसमें रखूँगी। पूरा लुक अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में। देखते हैं आप फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक इस तरीके का है। ये एक मैंने घर वाला जो स्टोन था, घर वाला बना रखा था, उसमें इस तरीके से टर्टल वाइन चढ़ा दी है। और अभी 2, 5 या 10 दिन बाद आप इसका लुक देखिएगा, मैं वापस डालूंगी। और अभी इस तरीके का इसमें लुक है, देख सकते हैं आप, इस तरीके का भी बना सकते हैं, किया है। और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, मैं आपको दूर से भी बताती हूँ और पास से भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये टर्टल वाइन मैंने इसमें लगाई है, ये बहुत ही अच्छी ग्रीनरी दे रही है। और जैसे कि मैंने एक बी भी बनाई है इसमें, और ये हाउस बनाया है, ऐसे सब चीज़ क्रिएट की है, तो ये बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो आप भी इस तरह की ट्रे गार्डनिंग बना सकते हैं, अच्छी लगती हैं ये।